आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली पुलिस का भी दिखा एक्शन, दो ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पर छापेमारी, न्यूज पोर्टल के खंगाले जा रहे बही खाते, यूएपीए के तहत केस दर्ज, ऐसी संस्थाओं को कुचला जाएगा। बता दें कि मंगलवार का दिन दो ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पर भारी पड़ा, जो मुसीबत का पहाड़ बनकर उन पर टूट पड़ा, जहां दिल्ली पुलिस और आयकर विभाग की टीम ने एक या दो नहीं बल्कि इन पोर्टल के 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इतना ही नहीं, छापेमारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मोबाइल जब्त कर लिए गए। सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस यूएपीए और अन्य धाराओं के तहत पोर्टल से जुड़े विभिन्न परिसरों पर छापेमारी कर रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उधर आयकर विभाग की तरफ से इस कार्रवाई को रेड की जगह सर्वे कहा गया है। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर इस छापेमारी के पीछे की वजह क्या है, क्यों न्यूज पोर्टल के दफ्तरों और ठिकानों पर दिल्ली पुलिस और आयकर विभाग के अधिकारी आ धमके, क्यों यूएपीए के तहत एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है, डिटेल में जानते हैं। इन दोनों वेबसाइट पर पहला आरोप ये लगा है कि इस वेबसाइट में चीन की कंपनियों का पैसा लगा है। दूसरा आरोप है कि ये कार्रवाई दोनों संस्थानों के टैक्स पेमेंट और दूसरे भुगतान की जाँच के लिए की जा रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को सुबह सुबह दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और आयकर विभाग की टीम ने एक साथ दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में छापेमारी की। इस दौरान न्यूज पोर्टल के 30 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। सेल के अधिकारियों ने मौके से कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे कि लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। स्पेशल सेल ने इस मामले में यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। आरोप है कि इस वेबसाइट में चीन की कंपनियों का पैसा लगा है। हालांकि अभी तक दोनों न्यूज पोर्टल की तरफ से इस छापेमारी को लेकर कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस मसले पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। छापेमारी पर भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम का बयान सामने आया है, जिन्होंने साफ कहा है कि इन जैसे कोई भी संस्थान जो देश विरोधी काम करेंगे उन पर ऐसे ही कार्रवाई होगी, ऐसी संस्थानों को कुचला जाएगा। आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। न्यूज क्लिक और इन जैसे जुड़े हुए कोई भी संस्था होगी जो राष्ट्र विरोधी काम करेगी, देश की अखंडता पे कुटारघात करेगी और देश को तोड़ने का काम करेगी, विदेशी पैसे से चलने का काम करेगी, उन पे सब पे ऐसे ही कार्रवाई होगी। जिस प्रकार से आपने देखा राजीव फाउंडेशन के अंदर कांग्रेस के पास भी 1,35,00,000 रुपया आया था। चाइना हमारे देश, हमारे उसको बढ़ते हुआ देखना पसंद नहीं करता, इसलिए अन्यों को अनेक एजेंसियों जो राष्ट्रीय विरोधी एजेंसियाँ हैं उनका इस्तेमाल कर देश को के ऊपर आक्रमण करने का काम कर रहा है अनेकों अनेक प्रकार से। मुझे लगता है कि देश आज बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, ऐसी संस्थाओं को कुचला जाएगा और उनके जो सहयोगी हैं कांग्रेसी जैसे लोग हैं उनको भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। वही न्यूज पोर्टल पर हो रही छापेमारी को लेकर अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का रिएक्शन भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो जांच एजेंसियां निर्धारित दिशा निर्देशों के तहत उनके खिलाफ जांच करने के लिए स्वतंत्र हैं। देखिए, मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं। और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसी साल अगस्त के महीने में इन न्यूज पोर्टल के चीन से संबंध होने का मामला उठाया था और इसको लेकर कांग्रेस को भी निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस, चीन और ये पोर्टल एक ही गर्भनाल का हिस्सा हैं। आपको सुनवाते हैं उनका वो बयान। कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस, चाइना, न्यूज क्लिक अ पार्ट ऑफ अ अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये इससे सिद्ध होता है क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी आदत थी कि, और मैं नाम लेके भी कह सकता हूं कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। इतना ही नहीं, 7 अगस्त 2023 को बीजेपी सांसद
निशिकांत दुबे ने संसद में भी इस पोर्टल का मुद्दा उठाया था और कहा था कि देश में चीन के पैसे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाया गया। इसको लेकर उन्होंने कांग्रेस को भी सवालों के घेरे में लिया, जिस पर संसद में खूब हंगामा भी हुआ। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी सदन में मौजूद थे। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है, और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है वो लिखा ये है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में ये लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है, और वो जो न्यूज क्लिक है सर वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है। बता दें कि जिस पोर्टल का जिक्र अनुराग ठाकुर ने अपने बयान में किया है, उस पर साल 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अवैध फंडिंग को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। ये संदिग्ध फंडिंग चीनी कंपनियों के जरिए पोर्टल को मिली थी। इसके बाद ईडी ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। हालांकि हाईकोर्ट ने उस वक्त पोर्टल के प्रमोटरों को गिरफ्तारी से राहत दे दी थी।